वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखना जरूरी है, क्योंकि वही वचन है जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं, जो हमारे आत्मा की रोटी है। आमीन। तो सच में प्रभु यीशु मसीह उन वचनों के फॉर्म में हमारे साथ हमारे हृदयों में दिल जान में है, इसीलिए हम जीवित हैं और हर की बुराई से हर एक बंधनों से निकल पाए हैं। आमीन। ओके, तो हम सब यीशु मसीह का नाम और गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, उस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। यीशु नाम गाते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, इस जीवन के अंत तक हम उसके साथ ही रहेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you.
पवित्र स्थान में ले चल रहा
चल प्रभु मुझको तू अपने।
हम लोग पांच टीचर्स थे साथ में बैठे थे इनोवा में एंड
एंड वो ड्राइवर मिसप्लेस मतलब जो रूट था ही मिस द रूट बट फाइनली वी समहाउ मैनेज मतलब हम लोग ने मैनेज किया रूट वेट फाइंड आउट करने के लिए तो आई डोंट और सडनली उसने गाड़ी रोक दी एक स्लोप पे वापस आते वक्त आयोली के तरफ उसने गाड़ी हाईवे था मेन हाईवे जहाँ पे ऐसे तीन लेन्स होते हैं सो ही हैड पार्क द व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड सडनली उसने रोका और वो शायद वॉशरूम के लिए गया मतलब वो उसने जब ये गाड़ी पार्क किया मतलब स्टैंड बाय पे लगा उसने सिर्फ गियर पे लगाया ही फॉरगॉट टू पुट द हैंड ब्रेक एंड द कार वाज इन द स्लोप मतलब ऐसे ऐसे स्लोप वाला रोड पे था एंड ही जस्ट गॉट डाउन विद इन 30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड जैसे ही हुआ द कार स्टार्टेड मूविंग मतलब वो ऐसे स्लोप में ऐसे नीचे नहीं जाने लगी और उसने गाड़ी अंदर से लॉक किया था सो खिड़की बंद थे अंदर के लॉक्स बंद थे और हम वी वर फोर टीचर्स मेरे को छोड़ के हम चार जने थे और हम में से किसी को भी गाड़ी चलाने नहीं आती थी इट वॉज सो बैड मतलब एक को आती थी बट शी वॉज ऑल्सो मतलब जो टीचर सबसे आगे बैठी थी उनको आती थी बट शी वॉज नॉट वेल उनका बीपी बहुत लो हो गया था तो वो सोई थी गहरे नींद में सोई थी एंड है ना मेरे को हम लोगों को लगा कि गाड़ी झटका मार रही है बट जैसे जैसे गाड़ी आगे लगी एंड वी ऑल पैनिक वी स्टार्टेड मतलब जो दरवाजे थे वी स्टार्टेड ओपनिंग दैट सो दैट वी कुड जंप आउट एंड वो हाईवे था तो सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग ये था कि वो गाड़ी ऐसे नहीं जा रही थी ऐसे स्लांट जा रही थी फ्रॉम द थर्ड लेन वी हैड ऑलमोस्ट रीच द सेकेंड लेन सिंस ट्रैफिक था तो सेकेंड लेन में इतनी गाड़ी नहीं थी और पीछे से गाड़ियाँ हॉर्न कर रही थी क्योंकि जिस क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि ड्राइवर सीट में कोई भी नहीं था एंड थर्ड लेन वी हैड ऑलमोस्ट रीच मतलब ऐसे बस छूने वाले थे एंड इट वॉज अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड किसी को भी ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि उनको उठाए जो सबसे फर्स्ट सीट में जो टीचर थी फिर हम लोग ने जोर से मतलब जो एक जो बीच में हमारी कलीग थी उन्होंने जोर से कहा उठ गाड़ी चल रही है बिना ड्राइवर के वो शी जस्ट गॉट अप एंड मतलब लाइक मतलब ना गॉड इट इज सो ग्रेस ऑफ गॉड कि उसको बेसिक आता था गाड़ी का बोलते ना हैंड ब्रेक आता था क्लच ग्रेयर शी न्यू बेसिक थिंग्स सो शी जस्ट गॉट अप एंड शी सॉ अरे वी आर मतलब जस्ट अबाउट टू रीच द थर्ड लेन में जहाँ पे एकदम रैश ड्राइविंग होती है वो जस्ट ऐसे उठी शी पाउंस ऑन द ड्राइविंग सीट उसने स्टीयरिंग व्हील सबसे पहले घुमाया सो दैट वी डोंट डैश द कार और पीछे वाले को भी सडन ब्रेक मारने के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सो उसने गाड़ी घुमाया और हैंड ब्रेक लगाया वी हैड ऑलमोस्ट क्रॉस्ड अ मीटर मोर देन अ मीटर एक्चुअली सो वो जब वो ड्राइवर आया तो उसको लगा कि हमने ऐसी मस्ती में गाड़ी आगे ली तो बट वो आने के बाद जो जाना रहेगा उसको बट ऑल ऑफ दैट बट आई वॉज बट इन सब चीज़ों में मुझे परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई दी क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं आता था गाड़ी चलाने को उसने कम से कम 10 साल के बाद ड्राइविंग किया होगा उस दिन वो बोलती रहे उसने मतलब नॉर्मली लेडीज़ का होता है ना कि हस्बैंड को आता है सो दे डोंट लर्न और लाइक यू नो दे बिकम सिट बैक और समथिंग लाइक दैट सो बट देन शी सेड रेशल मुझे वो उनको उनको पता नहीं क्या शी सेड मेरे को पता नहीं वो जस्ट पाउंस हुई एंड शी जस्ट सॉ कि हैंड ब्रेक नहीं लगा है तो उसने हैंड ब्रेक लगाया इट वॉज ऑल गॉड्स ग्रेस क्योंकि अगर अगर शायद वो भी एजड है शी इज़ अराउंड 50 एंड प्लस अगर उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता हैंड ब्रेक लगाने का बिकॉज जब हम पैनिक करते हैं किसी को कुछ सोचता नहीं है एंड लकीली एक बात अच्छा हुआ कि लॉक्स लगे हुए थे वरना हम सब उड़ी मारते गाड़ी से तो वो भी एक आई गिव ग्रेस एंड ग्लोरी टू गॉड मे हिज नेम बी ग्लोरीफाइड बिकॉज टुडे आई एम अलाइव आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड आई थिंक आई रियली वांट टू थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल डे दैट आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टेस्टिफाइंग हिज ग्लोरी वैसे सिस्टर एक और गवाही बता हुआ भाई मोनू की मेरा जो कज़िन है उसकी लगभग 1.25 साल पहले एक्टिवा चोरी हो गई थी ग्रुप में मैसेजेस आए थे कैसे हमारे घर के जैसे एक चोर उठा के लेके जा रहा है ना 1.25 साल हो गया करके परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहे 1.25 साल के बाद उसको गाड़ी सही सलामत मिली हालेलुया सारी महिमा प्रभु को उसके बीच में मेरे भाई की भी गाड़ी चोरी हो गई थी जो 4-6 महीने के अंदर वापस हम लोगों को मिल गई कहीं पे तो थोड़े दिनों के बाद तो बोला था प्रभु आपके साथ है वो बोला मैंने बोला तेरी भी मिल जाएगी तो वो जहाँ कहीं भी जाता था ना देखते हुए जाता था कहीं पे वो ब्लू कलर की एक्टिवा पड़ी है क्या जिसपे जीसस लिखा हुआ है
एमएल, तो उसे अमरनाथ के रास्ते पर कहीं तो मेरी एकदम दूर में पड़ी हुई मिली, उसने धन्यवाद किया और लेके आया गाड़ी को। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने बच्चों की चीजों को सुरक्षित रखना जानता है। एमएल, हालेलुया। उसने नई गाड़ी के लिए चलाना यूज करना भी छोड़ दिया, पर वो प्रार्थना करता था, उसे विश्वास था एक दिन मेरा परमेश्वर देगा। एमएल, तो उसने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी गवाही है, जैसे कि बहुत साल पहले मैंने यूथ मीटिंग में गवाही दी थी मेरे पापा के लिए कि वो पहले बहुत ड्रिंक करते थे और मतलब ऐसा एक दिन नहीं होता था जब हम रोते नहीं थे, मारा मारी नहीं करते थे, बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद जैसे कि हम प्रभु में आए, हमारा विश्वास बढ़ा मम्मी और मेरा, तो मेरे पापा का ड्रिंक करना बहुत ही कम होता गया और उनका गुस्से वाला नेचर भी कम होता गया और अभी मतलब घर पे तो बहुत शांति है और पापा का ड्रिंक करना भी बहुत कम हो गया था। बट मैं सोचती थी प्रभु अभी तक मेरे पापा ने 100% ड्रिंक करना बंद कभी करेंगे, क्योंकि मुझे और मेरी मम्मी को पसंद नहीं था। अकॉर्डिंग टू बाइबल देखा जाए तो पियकर लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते, तो हमें ऐसे था कि प्रभु मेरे पापा कभी ड्रिंक करना बंद करेंगे, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट अभी कुछ लाइक 15 या 20 दिन से मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते, इवन उनको ड्रिंक करने की इच्छा भी नहीं होती, मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। लाइक सालों से जो हम सोचते थे कभी होगा ये, प्रभु ने इस समय में हमें वो गवाही के रूप में दिखाया कि मेरे पापा अभी खुद ही ड्रिंक करने की उनको इच्छा नहीं होती है और अच्छे से घर पे मतलब विदाउट ड्रिंक के, जैसे कि रात को ड्रिंक का पैक बनाते थे, अभी दूध पीते हैं। मैं पूरी महिमा प्रभु को देती हूँ।